बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग के साथ रही लाभ की खिदमत में हाजिर है, आप सबको खुश आमदीद कहता है। तो सुबह सुबह का टाइम है और पढ़ने जा रहे हैं ईद की नमाज, और ईद की नमाज के लिए रेडी। और मेरी तरफ से तमाम व्यूअर को, तमाम देखने वाले को बहुत 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 दिल की अथागराइज है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, तो ईद मुबारक। तो ये जी जो जानवर हैं वो नहला रहे हैं, जो जानवर कुर्बान होने हैं नमाज के बाद। ये जी सूरत हाल ईद के दिन की, ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं नई मस्जिद। तो ये है जी ईद की नमाज का हमारा रोज, और हम नमाज के लिए जाते हैं कोई मस्जिद में। और ये जी मस्जिद के अंदर एंट्री होते हुए हमारी ईद की नमाज जो है हमारी खड़ी होने लगी है, हम नमाज पढ़ने लगे हैं नमाज के लिए। जो हम जानते हैं या नहीं जानते, जो गर्व है पोशीदा है या अल्लाह मिलाजन है या पोशीदा है या अल्लाह, सब पर कल अपना सत्य नजर फरमाते हुए अपनी रहमत के वसीले से सारे सारे के सारे गुनाहों को माफ फरमाते हुए हमारे काबिल नबी को शफा अता फरमा, आमीन। नमाज के बाद, दुआ के बाद जो है अब हमारा एक दूसरे से ईद मिलने का जो त्यौहार है वो शुरू हो चुका है, और अब हम एक दूसरे से ईद की मुबारकबाद मिलेंगे। ये हमारा ईद मिलने का त्यौहार जारी है, अब एक दूसरे के साथ सब ईदी मिल रहे हैं। ये जी हमारा ईद का जो है मशहूर डॉक्टर शेर साहब, हम एक बार ईद की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से जो है वो बाहर आ चुके हैं, और वो इस तरह से चहल पहल जारी। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक बाबा जी। चलो जी वीवर, ईद के त्यौहार के साथ हम आ गए हैं कब्रिस्तान, और यहाँ पे हम वरना दुआ करेंगे। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम ईद की नमाज पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद, वालदैन के कब्र में दुआ मांगने के बाद अब हम कब्रिस्तान से बाहर आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक, ईद मुबारक और ईद मुबारक, तमाम अहले सलाम को बहुत ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक उस्मान साहब, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। पहले पढ़ा है कितने वो मस्जिद ना, नहीं मस्जिद, हां ईद मुबारक।
मुबारक। ईद मुबारक। ऐ ब्लॉग बनाई थी तुझे। ईद मुबारक। यार मुबारक। इन्हों का बच्चा है माशाल्लाह काफ़ी वड्डा। सलामु अलैकुम जी। हूँ वेखे है ईद मुबारक। तो ये जी जारी है और कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो जारी है और हम जो है बाकी फारग हो चुके हैं। काफ़ी साल से ईद मिल रही है और सबसे ईद मिल के जो है बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुबारक भाई। खैर मुबारक। ईद की नमाज पढ़ने के बाद अभी हम ये खाने लगे हैं। तो जी ईद वाले दिन 9 बजे का टाइम हो गया है और हम ये नाश्ता करने लगे हैं सुइयां और साथ में शक्कर डाल के। तो जी बाकी सारा ईद का दिन है इस तरह ही घर में गुजरा। तो बाकी इतनी गर्मी में बाहर निकला जाता ही नहीं। उम्मीद है कि सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। इसके साथ ही मेरा ये ब्लॉग इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में फिर इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।